जाले से दीक्षा 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 नमस्कार, दीक्षा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि पूर्णांकों का परिचय दीजिए तो आप क्या करेंगे? अरे, आप चुप क्यों हो गए? चलिए हम बताते हैं। बच्चों, आज हम आप लोगों को पूर्णांकों के बारे में बताएंगे। तो पूर्णांकों के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले आप हमें ये बताइए, आप लोग प्राकृत संख्याओं के बारे में जानते हैं? जी दीदी। प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं हमारी? एक, दो, तीन, चार इत्यादि। ठीक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इत्यादि, ये सब क्या होती है? हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं ये प्राकृत संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, पहले हम ये देखें। प्राकृत संख्याएं होती है हमारी एक, दो, तीन, चार, पांच इत्यादि। ठीक, तो इन प्राकृत संख्याओं के लिए हम नई संख्याओं की रचना करते हैं। नई संख्याओं की रचना करते हैं। ठीक है, ये नई संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक के लिए रचना करते हैं हम माइनस एक की, दो के लिए रचना करते हैं हम माइनस दो की, तीन के लिए हम रचना करते हैं माइनस तीन की। ठीक, इत्यादि। ठीक, तो ये संख्याएं हमारी बनी एक, दो, तीन, चार। ठीक, और ये इसकी नई संख्या क्या बनी? माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। ठीक, तो ये माइनस वाली संख्याएं प्लस वाली संख्याओं का क्या कहलाती है? प्रतिलोम। क्या कहलाती है? प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है? कोई भी समान मान वाली संख्या, लेकिन उसका जो चिन्ह हो वो अलग अलग हो। जैसे माइनस माइनस एक प्लस एक का क्या है? प्रतिलोम है। माइनस दो प्लस दो का क्या है? प्रतिलोम है। प्लस तीन माइनस तीन का क्या है? प्रतिलोम है। ठीक है, मान समान हो लेकिन चिन्ह जो हो वो अलग हो। ठीक है, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? एक दूसरे का प्रतिलोम कहलाती हैं। चार माइनस चार का प्रतिलोम है, तीन माइनस तीन का प्रतिलोम है। ठीक है, तो ये संख्याएं होती हैं प्रतिलोम। तो प्रतिलोम, अब हम कुछ ये सारी संख्याओं को एक साथ लिखें, शून्य के साथ हम इन सारी संख्याओं को एक साथ लिखें। जैसे शून्य, एक, माइनस एक, दो, माइनस दो, तीन, माइनस तीन, चार, माइनस चार इत्यादि। ये सारे हमने क्या लिखी? सारी संख्याएं लिखी, उनके प्रतिलोम लिखे और क्या लिखा? शून्य। ठीक है, अब इसको क्रमबद्धता के उस पे लिखते हैं। शून्य हम लिखे मध्य में। ठीक है, उसके बाद सारी धन संख्याएं एक तरफ लिखें, तीन, चार इत्यादि। सारी ऋण संख्याएं एक साथ लिखें, तीन, चार इत्यादि। ये सारे ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है शून्य सारी प्राकृत संख्याएं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, सारी प्राकृत संख्याएं और साथ में उनके प्रतिलोम, ये सब कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या कहलाती है? पूर्णांक में क्या क्या आता है हमारा? प्राकृत संख्याएं आती हैं, शून्य आता है और उसके साथ प्राकृत संख्याओं के प्रतिलोम, ये होते हैं हमारे, ये पूरा मिला के हम कहते हैं इन्हें पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया, फिर से समझाए, समझ में आ गया? मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उसके प्रतिलोम और शून्य, ये सब मिला के क्या कहलाता है हमारा? पूर्णांक। ठीक, अब पूर्णांकों में आप लोग सोचेंगे कि कौन सा पूर्णांक किससे बड़ा होता है। अब हमारे जैसे हम पूर्णांक लिखते हैं तो शून्य लिखा, माइनस एक लिखा, माइनस दो,
धन एक धन दो प्लस तीन, ठीक है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन इत्यादि। ठीक, तो अब हम बताएंगे किसके बारे में, क्रमबद्धता, पूर्णांकों की क्रमबद्धता, पूर्णांकों की क्रमबद्धता के बारे में बताएंगे कि कौन सा पूर्णांक किससे बड़ा होता है। तो सबसे पहले शून्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शून्य की। शून्य का क्या भाई, क्या हिसाब होता है शून्य का? शून्य जो है जितनी धन संख्याएं होती हैं, धन संख्या से, धन संख्या मालूम है, प्लस साइन वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? धन संख्या। माइनस साइन वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं ऋण संख्या। क्या कहते हैं? ऋण संख्या। प्लस साइन वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको चाहे प्लस साइन की संख्या बोले चाहे धन संख्या बोले, बात एक ही है। ठीक, चाहे हम ऋण संख्या बोले चाहे माइनस की संख्या बोले, बात एक ही है। ठीक, धन शून्य धन संख्या से छोटा होता है, धन संख्या से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन जो ऋण संख्या होती है शून्य उससे बड़ा होता है। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया या नहीं आया? शून्य की बात समझ में आई तुम्हें? शून्य मध्य में होता है, जितनी भी धन संख्याएं होती हैं शून्य उनसे छोटा होता है, लेकिन जितनी भी ऋण संख्याएं होती हैं शून्य उनसे बड़ा होता है। ठीक है, अब हम तुमको बताते हैं सबके बारे में एक साथ। देखो, जब हम दाहिनी इस क्रम में दाई ओर चलते हैं, इस क्रम में दाई ओर चलते हैं, तो जैसे जैसे हम दाई ओर चलते जाते हैं वैसे वैसे संख्या का जो मान है वो बड़ा होता चला जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो माइनस तीन माइनस दो से छोटा है, माइनस दो माइनस एक से छोटा है, माइनस एक शून्य से छोटा है, प्लस एक प्लस दो से छोटा है। मतलब जैसे जैसे हम दाई ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ता चला जाता है। ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे दाई ओर जाएंगे वैसे वैसे संख्या का मान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें अब मतलब जो संख्या जिसके जितनी दाई ओर होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे हम देखें प्लस एक और माइनस तीन, प्लस एक दाई ओर है माइनस तीन दाई ओर है, प्लस एक माइनस तीन माइनस, तो प्लस एक जो है वो माइनस तीन से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, अब बताओ तुम माइनस एक हजार बड़ा होगा या माइनस एक? माइनस एक। माइनस एक बड़ा होगा माइनस एक हजार से, क्योंकि माइनस एक हजार माइनस एक के बाई ओर पड़ता है। ठीक है, बाई ओर वाली संख्या हमेशा छोटी होती है दाहिनी ओर वाली संख्या से, या दाई ओर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, दूसरे शब्दों में कह लें दाई ओर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है अपनी बाई ओर वाली संख्या से। समझ में आया? क्रम समझ में आया तुम लोगों को? क्रम क्या, क्रम में क्या होता है कि जितना भी दाई ओर हम चलते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा, अब तुम लोग को सोच रहे हो कि दाई ओर चलना बाई ओर चलना क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को। तो थोड़ा मैं तुम लोग को एक बात और बता दूं, मैं बता दूं तुम लोग को संख्या रेखा के बारे में, उसके बाद तुम्हें ये बात बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगी। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा हम किसके बारे में बता रहे हैं आपको? संख्या रेखा, संख्या रेखा, इस पे हम तुमको क्रम समझाएंगे। संख्या रेखा, ठीक, ये संख्या रेखा है। ठीक है, अब तुम सोचोगे कुछ तो है नहीं, एक तो लकीर है, कुछ नहीं। संख्या रेखा के मध्य में अंकित होता है शून्य। ठीक है, शून्य जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं या धन संख्याएं होती हैं वो शून्य के दाई ओर लिखी जाती हैं। एक दो तीन चार इत्यादि जितनी भी, अब क्योंकि इनके प्रतिलोम, इन प्राकृत संख्याओं के जो प्रतिलोम है वो शून्य के विपरीत दिशा में लिखे जाते हैं। मतलब जहां पर हमने ये प्राकर संख्याएं लिखी हैं तो उसके विपरीत में लिखेंगे उनके प्रतिलोम। जैसे हमने दाई ओर लिखी हैं अगर प्राकर संख्याएं, तो बाई ओर लिखेंगे हम इनके प्रतिलोम। तो सबसे पहले प्रतिलोम में क्या आएगा? माइनस एक, फिर दो का प्रतिलोम माइनस दो, फिर तीन का प्रतिलोम माइनस तीन, फिर चार का प्रतिलोम माइनस चार। अब तुम सोचोगे चार तक नहीं, बहुत सारी जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है, ये है हमारी संख्या रेखा।
संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है, संख्या रेखा के दाहिनी ओर सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं और संख्या रेखा के बाईं ओर सारे उनके प्रतिलोम होते हैं। किनके प्रतिलोम? प्राकृत संख्याओं के प्रतिलोम। ठीक है, तो संख्या रेखा ऐसी रेखा होती है जिस पर हम जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। तो इस संख्या रेखा पर हम अभी तुम लोग को बता रहे थे, जैसे दाईं ओर चलने वाली बात बता रहे थे, दाईं ओर में बढ़ते जाता है मान। तो इस संख्या रेखा पे अगर हम दाईं ओर चलेंगे, इस संख्या रेखा पे अगर हम दाईं ओर चलेंगे तो मान जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे माइनस चार, माइनस जितनी दाईं संख्या होगी वो अपनी बाईनी वाली संख्या, बाईं संख्या से बड़ी होगी। माइनस तीन माइनस चार से बड़ी है, शून्य माइनस चार से बड़ा है। ठीक, अगर हम लिखते हैं माइनस एक लाख, जितनी बड़ी संख्या होगी, ऋणात्मक जितनी भी बड़ी संख्या होगी, माइनस वाली जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी मानी जाएगी। ये संख्या शून्य से छोटी है, ये संख्या माइनस एक लाख शून्य से छोटी है। समझ में आया तुम लोगों को? अब उसके बाद हम बात करते हैं धन संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? धन संख्याओं। धन संख्याएं जो होती हैं शून्य से तो बड़ी, शून्य से बड़ी होती हैं। धन संख्याएं सबसे बड़ी होती हैं। आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? प्रतिलोम दिख रहे हैं, शून्य दिख रहा है, धन संख्याएं दिख रही है। तो धन संख्याएं बड़ी होती हैं, मतलब चार जो है वो तीन से बड़ा होगा, तीन जो है वो दो से बड़ा होगा, दो जो है वो एक से बड़ा होगा, क्योंकि हम ये दाहिनी, चार जो है तीन के दाईं ओर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने तुम्हें क्या, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं कि जो दाहिनी ओर वाली संख्या होती है, जैसे दो संख्याएं तुम्हें दे रखी है, तो तुम उसमें देखोगे कौन सी संख्या दाईं ओर पड़ रही है इस संख्या रेखा पर, कौन सी संख्या दाईं ओर पड़ेगी, कौन सी संख्या बाईं ओर पड़ेगी। तो जो संख्या दाईं ओर पड़ेगी वो अपनी बाईं ओर वाली संख्या से बड़ी होगी। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो जितनी ऋण संख्याओं का, यानी अब हमने एक दूसरी बात क्या नोट की, जितनी ऋण संख्याएं होती हैं उसमें ऋण संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा। धन संख्याओं के साथ ऐसा नहीं है, धन संख्या में जो बड़ी संख्या है उसका मान बड़ा है, जो छोटी संख्या है उसका मान छोटा है। लेकिन ऋण संख्याओं में इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि जितना बड़ी मान होगा, जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा अगर वो ऋण संख्या है। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? क्रमबद्धता समझ में आई? अब हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं निरपेक्ष मान के बारे में। किसके बारे में बताएंगे हम तुम लोग को? निरपेक्ष। हम तुम लोग को बताएंगे निरपेक्ष मान के बारे में। निरपेक्ष मान क्या होता है? देखो, निरपेक्ष मान क्या होता है, जैसे शून्य से निरपेक्ष मान क्या होता है, शून्य से एक दो तीन चार माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। ठीक है, तो दो का निरपेक्ष मान क्या होता है, शून्य से जिस पूर्णांक का भी हम निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं शून्य से उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, कितनी दूरी है, जैसे तीन है, तीन शून्य से दूरी कितनी है, एक दो तीन, तीन पग चलने के बाद हम तीन पे पहुंचते हैं। माइनस तीन, माइनस तीन क्या है, शून्य से कितनी दूरी है, एक दो तीन, यानी माइनस तीन का भी निरपेक्ष मान क्या हो गया, तीन, और प्लस तीन का भी निरपेक्ष मान क्या हो गया, तीन। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? निरपेक्ष मान क्या होता है, शून्य से किसी पूर्णांक की जितनी दूरी होती है वही उसका निरपेक्ष मान होता है। उस पूर्णांक में पहुंचने के लिए शून्य से हमें जितने पग चलना पड़ेगा वही क्या होगा, उसका निरपेक्ष मान होगा। चार का निरपेक्ष मान बताओ तुम, चार का निरपेक्ष मान कितना होगा, कितने पग चलोगे चार में पहुंचने के लिए, चार पग, यानी चार का निरपेक्ष मान होगा चार। इसी तरह अगर माइनस चार हो तो माइनस चार तक पहुंचने के लिए कितने पग चलोगे, चार पग, भाई शून्य से माइनस चार पग चलोगे बाईं ओर तब तुम माइनस चार में पहुंचोगे, शून्य से चार पग चलोगे बाईं ओर तो माइनस चार में पहुंचोगे, और शून्य से चार पग चलोगे दाहिनी ओर तो प्लस चार में पहुंचोगे। यानी माइनस चार का भी निरपेक्ष मान कितना होगा, चार, और प्लस चार का भी निरपेक्ष मान कितना होगा, चार। यानी हमने देखा, हमने क्या देखा कि निरपेक्ष मान क्या होता है, मान तो समान होता है, मान चाहे हमारी ऋण संख्या का निरपेक्ष मान निकाल ले या धन संख्या का निरपेक्ष मान निकाल ले, हमेशा निरपेक्ष मान समान आता है। अच्छा दीदी, जैसा आपने बताया इसका मतलब ये हुआ कि चाहे माइनस संख्या हो चाहे प्लस संख्या हो,
निरपेक्ष मान हमेशा एक ही रहेगा। हाँ हाँ। और दीदी जीरो का निरपेक्ष मान क्या होगा? शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। शून्य क्योंकि शून्य के लिए हमें कहीं नहीं चलना पड़ा, शून्य के लिए हम वहीं के वहीं हैं, तो शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा। ठीक है। समान मान वाली चाहे वो ऋण संख्या हो चाहे वो धन संख्या हो उसका निरपेक्ष मान हमेशा वही रहता है। जैसे माइनस पांच पे, अब तुम बस ये देखो निरपेक्ष मान निकालने के लिए कि माइनस पांच पे पहुंचने के लिए हम शून्य से कितनी दूरी हमें कितने पग हमें चलने पड़ेंगे, वही उसका निरपेक्ष मान हो जाएगा। ठीक है। तो निरपेक्ष मान समझ में आया तुम लोग को? तो निरपेक्ष मान को दर्शाते कैसे, हम ये देखेंगे कि निरपेक्ष मान को हम दर्शाते कैसे। निरपेक्ष मान लिखने के लिए जैसे हम माइनस पांच का निरपेक्ष मान, हमें माइनस पांच का निरपेक्ष मान लिखना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे? माइनस पांच को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में रखेंगे। ये दर्शाता है कि इससे हमें पता चलता है कि माइनस पांच का निरपेक्ष मान हमें निकालना है, यानी माइनस पांच का निरपेक्ष मान कितना हो गया? पांच। क्योंकि माइनस पांच तक पहुंचने के लिए हमें शून्य से पांच पग चलने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को या नहीं आ रही है? नहीं समझ में। समझ में आ रही है? निरपेक्ष मान समझ में आ रहा है? अब हम तुम्हें और उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे हमने तुम्हें बताया निरपेक्ष मान को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे माइनस ग्यारह है, माइनस ग्यारह का निरपेक्ष मान कितना हो गया? ग्यारह। अब तुम लोग जरा हम व्यवकलन बताते, जैसे तुम देखो माइनस ग्यारह है और प्लस ग्यारह है, अब तुम बताओ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये क्या दर्शा रहा है? दीदी ये माइनस दर्शा रहा है, ये प्लस? नहीं ना, ये दर्शा रहा है निरपेक्ष मान और ये है आपकी मतलब साधारण प्राकर संख्या ग्यारह। अगर हम इसका जोड़ निकालना चाहें तो क्या करेंगे? माइनस ग्यारह का निरपेक्ष मान क्या हो गया? ग्यारह। प्लस इसका तो निरपेक्ष मान हमें कहा नहीं गया, प्लस ग्यारह यानी कितना हो गया? बाईस। इसका 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 उत्तर आया बाईस। समझ में आया तुम लोगों को? तो निरपेक्ष मान तुम लोगों को समझ में आया? तो ये निरपेक्ष मान क्या होता है कि उनको दो ऊर्ध्वाधर संख्याओं के बीच में दर्शाते हैं। ठीक है। अब आप कल इस पे सवाल करके लाइएगा। अगले उसमें हम आपको बताएंगे पूर्णांकों के योग तथा उनके व्यवकलन के बारे में।